गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध है ना। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है, तो इसके पहले आपको इन तीनों प्रसार गुणांक समझ में आना चाहिए। तो इसका पीछे का वीडियो आप, पीछे लेक्चर को आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए, तभी पूरी बात समझ में आ पाएगी। आज हम केवल संबंध बताएंगे, रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा, पृष्ठीय प्रसार गुणांक यानी बीटा और आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा। थोड़ा सा हम ये फार्मूला लिख रहे हैं, भले रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, अल्फा बराबर डेल एल अपान एल इंटू डेल टी होता है, इसको रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या पृष्ठीय प्रसार गुणांक, और गामा इक्वल टू होता है डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी, इसको आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है ना। तो आज हमको अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों में संबंध बताना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात करें चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले हम अल्फा बीटा में संबंध बताएंगे, फिर अल्फा गामा में संबंध बताएंगे, फिर तीनों में संबंध, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक है, चाहे हमें अल्फा बीटा गामा में संबंध इकट्ठे लिख दे, पर वन बाई वन बताना है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा में संबंध, लेकिन आप लोगों को लगे ये अल्फा बीटा में संबंध क्या है, वो ये आया है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, ये है प्रश्न। अल्फा और बीटा में संबंध है, चाहे इसको बोल दो रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। अल्फा और बीटा में संबंध, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक वर्गाकार सीट है, क्या है, एक वर्गाकार सीट है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, L है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या T डिग्री सेल्सियस मान लो, T डिग्री सेल्सियस पर एक वर्गाकार सीट है, एक वर्गाकार, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, L है, कितने टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस, और T से थोड़ा बढ़ा देते हैं, T से थोड़ा, कितना बढ़ा दें, डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी कर दें, टी से टी प्लस डेल्टा, तब इसकी लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। अब बढ़कर मान लीजिए कि वो लंबाई कितनी हो गई है, एल प्लस डेल्टा एल। एक वर्गाकार सीट है, उस वर्गाकार सीट की प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है टी डिग्री सेल्सियस पर, और जब उसके ताप को हम बढ़ा करके, जब उसके ताप को हम बढ़ा करके एल डेल टी प्लस डेल्टा टी कर दिए, तो लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। यहाँ देखिए लिख रहे हैं, मान लिया टी डिग्री सेल्सियस पर एक वर्गाकार सीट की लंबाई L है, मान लिया टी डिग्री सेल्सियस पर एक वर्गाकार सीट की लंबाई L है, जब उसके ताप को टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस
कर दिया जाता है तो लंबाई बढ़कर 1L+ del L हो जाती है। मान लिया 80 डिग्री सेल्सियस पर एक वर्गाकार शीट की लंबाई L है, जब उसके ताप को T+ delta T डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो लंबाई बढ़कर L+ delta L हो जाती है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल A बराबर L स्क्वायर तथा L+ del L का होल स्क्वायर, तो L² + del L² + 2L del L, तब क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो अंतिम L+ del L का स्क्वायर प्लस 2L del L माइनस L स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। ठीक है यहाँ तक। ये हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। क्योंकि डेल्टा एल अत्यंत सूक्ष्म राशि है, डेल्टा एल जो है अत्यंत सूक्ष्म राशि है, आता है डेल एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, किसकी उपेक्षा करना है तो डेल्टा ए बराबर 2L del L, डेल एल की उपेक्षा करना नहीं है, ध्यान देना, डेल एल अत्यंत सूक्ष्म राशि है तो डेल एल की उपेक्षा नहीं किया गया है, डेल्टा एल स्क्वायर की, सूक्ष्म का स्क्वायर और छोटा, इसलिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, किसका मान मिल गया डेल्टा ए का, ये किसका मान है ए का, ध्यान दीजिए। क्या किया हमने, एक वर्गाकार सीट लिया और उस वर्गाकार सीट की प्रत्येक भुजा की लंबाई को हमने क्या लिया है, एल लिया है डिग्री सेल्सियस पर, और जब उसके ताप को T+ delta T कर दिए, बढ़ा दिए, तो लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, प्रसार हो गया, तो L+ delta L। अब क्षेत्र, प्रारंभिक क्षेत्रफल ये हुआ, अंतिम ये हुआ, क्षेत्रफल वृद्धि अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब देखना, अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक देखना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि
बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। अब तो प्रेषित क्षेत्रफल यानी क्षेत्रीय गुणांक प्रसारिये क्षेत्रफल में वृद्धि यानी डेल्टा ए और प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी ए और इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि यानी डेल्टा ए ये रहा, प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी ए रहा। अब डेल्टा ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 2L डेल्टा L और ए की जगह L स्क्वायर और ये डेल्टा T। ये इससे कट गया तो 2 डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T बीटा बराबर। अब बताओ ये किसके बराबर है, ये देख लो ये किसके बराबर है, तो ये 2 अल्फा, जहां अल्फा रेखी प्रसार गुणांक है। अतः क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर 2 गुणे रेखीय प्रसार गुणांक जी। इसी से आप चाहो तो अल्फा बराबर बीटा बटे 2 भी लिख सकते हो, यानी रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है ना। तो ये रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध हो गया। अब पता चल गया कि रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का आधा होता है या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो ये रहा अल्फा बीटा में संबंध है। अब यदि आप इसको स्टार्ट से लास्ट तक देखे होंगे तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्षेत्रीय रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आगे उसका जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगले वीडियो में। थैंक यू।